नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बिकॉज जो मैं बात करने वाला हूं, आई थिंक आप हर स्टूडेंट, और सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, हर व्यक्ति अपनी लाइफ में इस फेज से होकर गुजरता है। प्रॉब्लम क्या है? देखिए, हमारी लाइफ जो है ना, इट्स लाइक अ साइनोसोडियल कर्व, साइन कॉस कर्व, ऊपर नीचे ऐसा होती रहती है। दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। ये बात स्टूडेंट्स पे भी लागू होती है। पहले स्टूडेंट छोड़िए, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए, सपोज करिए कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई बॉडी बिल्डर है, लेट्स से, उसको रोज जिम जाना है, रोज बॉडी बनानी है, पूरे दिन डाइट पे ध्यान रखना है, यही उसका शेड्यूल है। एक दिन जिम जाने ही वाला था कि कोई रिश्तेदार आ गए, मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं आज नहीं जाना है, अभी इनका सब ध्यान रखो, अब चले जाओगे तो ये सब कौन करेगा। ठीक है, तो मन आज बहुत मन था जाने को, था ना, एक्साइटमेंट था, बट चलो कोई बात नहीं, अभी है तो करेंगे। फिर पूरा दिन कब उस काम में निकल गया, फिर रिश्तेदारों के साथ खाना पीना, आज का डाइट प्लान भी पूरा चौपट हो गया। अभी मेहमानों को देखेंगे, तुम्हारे डाइट का देखें, खत्म होगी बात। अगले दिन मेहमान नहीं थे और मम्मी ने भी नहीं टोका, बट पता नहीं क्या हुआ, अगले दिन जाने का मन ही नहीं किया। और फिर पूरे दिन कुछ उल्टा पुल्टा घर में, जो सामने दिख रहा है, खा रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, और वो एक लो वाला फेज स्टार्ट हो गया। वो पता नहीं एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा नहीं कोई नशा हो गया, पागल हो गया, चले जाएंगे तीन चार दिन के बाद, फिर से कंटिन्यूटी आएगी, बट एक लो फेज आ गया। किसी भी जगह पे ऐसा होता है। अब अगर पढ़ाई को ले लें तो तीन चार पाँच दिन मस्त पढ़ाई कर रहे थे, टाइम पे उठ रहे हैं, टाइम पे सो रहे हैं, जो खाना चाहिए वो खा रहे हैं, क्लास लगा रहे हैं, PYQ सॉल्व कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अचानक एक दिन 4 बजे दोस्त का फोन आया कि यार बर्थडे है भाई, आना है, रात को 12 बजे बर्थडे है, पार्टी है। दोस्त बहुत खास था, आप मना नहीं कर पाए, और मन तो होता ही है, मन ने आपको समझाया कि नहीं भाई, नहीं, रिलेशनशिप ज़रूरी है, दोस्त तो दोस्त है, जाना है। अब पार्टी में जाना था तो कुछ हद में काम कंप्लीट किया जा सकता, तो दोस्त भी खुश हो जाता, चीज़ें भी हैंडल हो जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 12 बजे सेलिब्रेशन हुआ, उसके बाद जो संवैधानिक और गैर संवैधानिक जितने काम हो सकते थे वो सब कर डाले आपने। सोने में सुबह के 3-4-5 बज गए, अगले दिन 10-11-12 बजे आँख खुली, फिर किसी ने कोई TV सीरीज चला दी, 24 घंटे बर्बाद हो गए। शाम को खैर जैसे जैसे आप घर पहुंचे, दोबारा फ्रेंड के रूम से अपने रूम पे आ गए, अब मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया, और फिर अचानक से एक लो फेज स्टार्ट हो जाता है। पेपर में 1 महीना है, फटनी चाहिए, फट रही है, लेकिन पढ़ नहीं रहे, मन नहीं कर रहा सर। और कुछ लोगों को हो सकता है लगे कि यार ये बड़ी अजीब बात कर रहे हो सर। सर, अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा तो आप में कुछ अजीब है, बिकॉज ज़्यादातर केस में तो एक कॉमन प्रॉब्लम है। अगर कोई बच्चा पूरे साल 365 दिन बिना डिसिप्लिन तोड़े लगातार पढ़ रहा है तो कुछ अलग चीज़ है, वो उसे मानव कहना अपने आप में समस्या होगी, वो कि गैर मानवीय चीज़ है। तो आम इंसान के साथ ऐसा होता है, तब करना क्या है? देखिए, ना तो हम अप फेज को हमेशा चला सकते और ना तो हम डाउन फेज में जाने से बच सकते। कभी ना कभी ऐसा होगा, किसी दिन मूड अच्छा नहीं होगा, किसी दिन कोई और समस्या हो जाएगी, कभी कभी कोई जेन्युइन कारण भी हो सकता है जिस वजह से नहीं पढ़ पाए, बट कभी कभी ऐसा भी, कोई मूड नहीं है इसलिए नहीं पढ़ पा रहे, सर अब क्या करें बताइए, नहीं हो रहा मूड, क्या करें? तो करना ये है, इसके कुछ सूत्र, कुछ फॉर्मूला जो मैंने समय के साथ डेवलप किया, मैं भी आई ऑल्सो कम टू द सेम प्रॉब्लम। वीडियो बना रहे, अभी मूड हो रहा, सब बढ़िया चल रहा, पेल के काम कर रहे हैं, एवरीथिंग वॉज गोइंग फाइन, अचानक से कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि प्रिपरेशन रुक गई, वीडियो बननी बंद हो गई, जो कुछ वीडियो इकट्ठा करी थी वो भी सब अपलोड हो गई, अभी नई वीडियो भी नहीं, क्या करें, मन ही नहीं हो रहा, 10-5 दिन ऐसे निकल गए। तो करना ये है कि जो अच्छा फेज चल रहा है उसको लगातार लंबे से लंबे समय तक चलाने की कोशिश करनी है, उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना। कोई टीम जब टूर्नामेंट जीत रही होती है ना, तो फिर काय को उसमें चेंज करने का कि नहीं ये स्पिनर बदल दो, फास्टर चेंज कर लो। आप विनिंग कॉम्बिनेशन से छेड़खानी नहीं की जाती, हो सकता है आपको लग रहा हो कुछ और अच्छा हो सकता है, अभी मत करो ना इसको, ऐसे चलने दो, बढ़िया चल रहा है शेड्यूल, है ना, एक नियम तो ये। अब अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाती है, आप लो फेज में चले गए, लो फेज से बाहर कैसे आए सर? आप पॉइंट ये है कि जाने से कोई नहीं रोक सकता, होता ना सर्वर है, कभी ना कभी तो क्रैश करेगा। रिलायबल उसको नहीं कहते जो कभी क्रैश ना करे, रिलायबल उसको कहते कि क्रैश करे तो कितनी जल्दी आप रिकवर कर पाएंगे, वो है रिलायबिलिटी। तब करना क्या है आपको, सबसे पहले तो कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाना है, क्योंकि मन क्या बोलेगा, मन बोलेगा आराम कर रहे हैं, अभी बहुत पढ़ लिया, अभी थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, बट वो आराम होगा कैसे? वो आराम इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करने से होगा, वो आराम TV सीरीज देखने से होगा, नेट में ऐसे ही टाइम, आपसे पूछ लूंगा 6 घंटे बाद क्या किया, आप बता भी नहीं पाएंगे क्या किया मैंने, है ना, इन सब चीज़ों को उल्टा दिमाग और थक जाएगा। तो आपको बाहर जाना है,
घर से बाहर निकलिए, कोई फिजिकल एक्टिविटी करिए, ग्रुप मत ढूंढिए, कुछ ग्रुप में करेंगे वहां और मन लगे, पता चला क्रिकेट खेलने गए वहां इतना मन लगा अगले दिन फिर पहुंच गया। फॉर एग्जाम्पल कोई अजीब सा टारगेट उठा लीजिए, लाइक मैं कभी कभी क्या करता हूँ कि मैं चलो वॉक करने चलता हूँ। अब आप मन सोचेगा अच्छा वॉक करने की बात कर रहा है, चलो मन तो नहीं, चल भाई चल वॉक भी कर ले, कितना 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, नहीं आज 2 घंटा वॉक करेंगे। 2 घंटा सुनते मन बोलता है क्या बोल रहा है बे, हाँ 2 घंटा करेंगे क्या दिक्कत है, पढ़ाई में तो मन वैसे भी नहीं कर रहा, चलो आज जरा दार्शनिक की तरह दुनिया देख के आते हैं, निकल जाइए। वॉक करना कोई बुरी बात भी नहीं है, कोई खास नुकसान हो भी नहीं रहा। 2 घंटा 3 घंटा यू नो दिमाग की सोच से बाहर निकलना है बस, जो मन को लग रहा था इतना नॉर्मल है अब नॉर्मल काम कर दीजिए, थोड़ा सा बाहर जाइए घूम के आइए, थके आएंगे खाना खाइए और सो जाइए। तो 2 काम करने हैं आपको, एक तो सोना है, कभी कभी लंबी नींद लेना बहुत जरूरी होता है दिमाग को शांति देने के लिए। हम करते हैं जब लो फेज में होता है तो और नींद और कम हो जा रही होती है, टीवी सीरीज इंस्टाग्राम फोन ये सब चल रहा होता है, शांति देने के लिए 9 बजे रात को सो जाइए, सुबह 9 बजे उठिए, 10 बजे उठिए, देखिए चैलेंज मार के कितना लंबे से लंबा सो सकते हैं। हाँ, और दूसरी बात मैं बताइए, बाहर निकलिए, गो आउट, घर में मत बैठे रहिए। ये 2 काम आप करेंगे ना, और तीसरा काम क्या करना है, बस अचानक से पढ़ने बैठ जाइए, मन पूछेगा क्या कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कि नहीं पढ़ नहीं रहा बस ऐसे देख रहा हूँ कुछ, एक क्वेश्चन लगा के देख रहा हूँ, फिर करते जाइए करते जाइए। तो शायद इन कुछ तरीकों से आप आजमा के देखना, मुझे लगता है ये जो लो वाला फेज है ना इससे जल्दी बाहर आ पाएंगे। बाकी लो फेज में जाना और हाई फेज में हमेशा ना रह पाना, ये दोनों ही बात नॉर्मल है, तो इसमें घबराइएगा मत कि यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भाई सबके साथ ऐसा होता है, देयर इज नथिंग एबनॉर्मल इन इट। मैं तो उल्टा बोल रहा हूँ, अगर नहीं हो रहा तो कुछ एबनॉर्मेलिटी है ना। तो कोशिश करिए और देखिए कि क्या कर पाते हैं आप भी, आपके साथ अगर ऐसा होता है कि नहीं पढ़े और अचानक से फिर पता नहीं क्यों 3-4-5 दिन नहीं पढ़े, डर लग रहा बट मन नहीं हो रहा, तो कमेंट करके बताइएगा जरूर कि हाँ सर ये बात आपने सही पकड़ी, ऐसा ऐसा होता है ना। और जो फॉर्मूलाज मैंने बताए उनको इस्तेमाल करिए और देखिए कि कुछ आपकी मदद कर पाते कि नहीं। यस, बाकी हमारा मन तब लगेगा जब आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तब हमारा पूरी टीम का काम चल रहा होता है, मोटिवेशन हो रहा होता है, तभी हम अनेबल होते हैं कि आगे इसी तरह का अच्छे से अच्छा कंटेंट, रिलेटेबल कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहे। यस, जय हिंद जय भारत।